हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं। ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है, किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही। राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, चाहे वो 320 किलो हो चाहे 228 किलो हो, वो सोना है कहाँ। ये हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये गलत खबरों को फैलाकर सनसनी फैलाना चाहते हैं। शंकराचार्य जी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर खबरों में हैं। शंकराचार्य जी का कहना था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। इस पर बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इन पर सनसनी फैलाने का आरोप लगा दिया है। इस विवाद की बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कब और कैसे विवादों में फंसते रहे हैं और किन कमेंट्स के लिए फंसते रहे हैं। मेरा नाम सैयद सौबान है, आप देख रहे हैं स्विच। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब कहा कि केदारनाथ मंदिर में 28 किलो जो सोना है वो गायब हो गया है, तो इस मामले में तूल पकड़ना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि लोगों की आस्था इससे जुड़ी होती है, मंदिरों में भगवान को चढ़ावे में सोना दिया जाता है, इसको मैनेज करने के लिए हर मंदिर में एक समिति होती है। अब कोई इस तरह का आरोप लगाता है तो सोना गायब है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सीधे तौर पर आरोप लगता है वो समिति के ऊपर लगता है, उसके अध्यक्ष पर लगता है। इसी वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने साफ किया है कि शंकराचार्य इस तरह के आरोप ना लगाएं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो वहाँ पर आरोपों को सिद्ध भी करें। अजेंद्र अजय ने यह आरोप लगाया था कि शंकराचार्य को आदत सी हो गई है अब कि वो चर्चा में रहें, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और दूसरों पर आरोप लगाते रहें। अब अजय जी की मांग है कि स्वामी जी को अगर जरा भी संदेह है तो इस आरोप से जुड़े तथ्यों को सामने लेकर आए, और उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि लगता है कि वो कांग्रेस के किसी एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद मन में ये भी सवाल आता है कि 228 किलो का जो आंकड़ा है वो आखिर आया कहां से। इस पर सफाई देते हुए अजेंद्र अजय ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहाँ पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफ़ी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर बर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर, और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। और इनके हिसाब से इसमें कुल 23 किलो का ही सोना लगा हुआ है। खैर, ये तो रहा ताज़ा विवाद, लेकिन हाल ही में आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अनंत अंबानी की शादी में शिरकत करते हुए देखा होगा। वहाँ विवाद हुआ था कि जिस शादी में शराब परोसी जाएगी या फिर नॉनवेज दिया जाएगा और परोसा जाएगा मेहमानों को, वहाँ पर शंकराचार्य कैसे जा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने खुद जवाब दिया है। ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है जिसमें लंबे समय तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही। पूरी तरह से इस बारे में दृढ़ता से व्यवस्था बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन किसी हालत में परोसी नहीं जाएगी। इसके अलावा यह भी चर्चा थी कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण दिल्ली में किया जाएगा। इस पर बाकी जगह जैसे ही विवाद शुरू हुआ तो स्वामी जी ने भी अपनी बात रख दी। केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे, जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं,
तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम, विश्वेश जो है वो वाराणसी में है, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी, तब जा करके आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश है इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया गया था, इसको लेकर स्वामी जी ने कई बार सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि जब मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है तो कैसे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। पीएम मोदी और स्वामी जी के बीच विवाद रहा है, पुराना विवाद है ये। अब जब पीएम मोदी और स्वामी जी अंबानी जी की शादी में पहुंचते हैं तो विवादों को किनारे रख कर पीएम मोदी ने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया, इस पर स्वामी जी ने क्या कहा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी, जो अंबानी जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, आशीर्वाद सभा हो रही थी, वे भी उसमें आए हुए थे। पहले वो आए दूर बैठे, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वहीं से उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने भी उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। बाद में जब वो वापस जाने के लिए खड़े हुए, फिर वो वरवधू के पास गए, वहां से हमारे पास आए, उन्होंने हमारे चरणों में प्रणाम किया। और हमारे यहाँ नियम है आगत का स्वागत करो, तो हम लोग आगत जो आता है हमारे पास उसका स्वागत करते हैं। कभी भी आप में से कोई नहीं कह सकता है कि आप आए और हमने स्वागत नहीं किया, तो हमारा ये नियम है आगत का स्वागत। और जब जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है, और तीसरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में? तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं, और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है, लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है। शंकराचार्य से बार बार ये सवाल किया जाता है कि आप पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों करते हैं, उन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इस पर शंकराचार्य ने जो कहा है वो भी सुनिए। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही, एकदम सही है, हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। विवाद और स्वामी जी के बयानों का नाता पुराना रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो स्वामी जी के गुरु जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिनका सितंबर 2022 में निधन हुआ था, और उनके बाद दोनों पीठों के नए शंकराचार्य की घोषणा की गई थी। इसमें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बनाया गया था, वहीं जो शारदा पीठ है, तो जो शारदा पीठ द्वारका जिसे कहा जाता है, उसके शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती को बनाया गया था। तो यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। आपको यहाँ पर बता दें कि उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है और उन्होंने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ली हुई है। पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे थे, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। वो 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते हुए हैं और शायद यही वजह है कि उनका थोड़ा इंटरेस्ट राजनीति में भी दिखता है। अब आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि स्वामी जी के जो बयान आते रहते हैं उस पर आपका क्या कहना है, क्या उनको पॉलिटिकल बयान देना चाहिए या फिर उससे परहेज करना चाहिए, ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।